मध्य प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण एवं विमुक्त घुमंतु मंत्री कृष्णा गौर ने महिला कवियत्रियों का सम्मान किया। दरअसल शुक्रवार को मंत्री कृष्णा गौर के निवास पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कवि सम्मेलन में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कवियत्री सहित अन्य वरिष्ठ कवियत्रियों ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण और सम्मान से लेकर महिलाओं की गौरव प्रथा, मोदी की गारंटी से लेकर राष्ट्रीय प्रेम पर आधारित काव्य पाठ हुआ। सम्मेलन संपन्न होने के बाद मंत्री कृष्णा गौर ने सभी कवियत्रियों का शॉल, श्रीफल और माला से सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पूरे देश भर में महिला कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की इस बेला में मेरी पार्टी का यही निर्देश है कि कोई भी समाज का वर्ग संपर्क से छूटना नहीं चाहिए, और इस दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों से, मतदाताओं से संपर्क करके आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस देश के बागडोर सौंपने का आग्रह किया जा रहा है। आज कवि सम्मेलन, महिला कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे भोपाल शहर की जानी मानी मशहूर कवियत्रियों ने भाग लिया और अपनी रचनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उन्होंने आने वाले समय में भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए इस पर प्रकाश डाला, और हमने उनसे आग्रह किया कि आने वाले समय में उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित है, और सब ने एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात की और अपने अपने स्तर से जो सहयोग हो सकता है देने के लिए हमें वचन दिया है। मैं आज समस्त कवि सम्मेलन में पधारी हमारी कवित्री बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और हम सब मिलकर आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से देश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।